हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग काफी बार फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के रिव्यू देख के काफी सारे हेयर केयर प्रोडक्ट मंगवाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बालों के लिए, हमारे हेयर के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करना और हमारे बास्केट में क्या होना जरूरी है। सो आई एम डॉक्टर मुनाली पंदारे, योर मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ओपल एस्थेटिक ट्राइकोलॉजी क्लिनिक्स। एवरेज देखा जाए तो हेयर के बास्केट में क्या होना चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए शैम्पू। शैम्पू बहुत ओवर ड्राई करे, फ्रीजी करे ऐसा नहीं चूज करना है। पीएच लेवल वाला शैम्पू हमें यूज करना है। होममेड, जैसे काफी बार काफी लोग घर पे बना के फेसबुक इंस्टा में डालते हैं, ऐसे शैम्पू हमें नहीं यूज करना है, बिकॉज उसका कुछ भी केमिकल बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑयल। ऑयल जहां हो सके वहां कम यूज कीजिए। बालों में हफ्ते में कितनी बार ऑयल लगाना है, कैसे लगाना है, हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हो सके इतना हमें कोकोनट ऑयल को यूज कम करना है। होममेड जो ऑयल रहता है, ओनियन डाल के, गार्लिक डाल के मत यूज कीजिए। काफी बार वो आपको हार्ड होते हैं, उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। सीरम कंडीशनर की बात की जाए तो इसमें से एक चीज आप यूज कर सकते हो जो बालों को बहुत ओवर फ्रीजी ना करे। इसके लिए हम लोगों को कंडीशनर अगर यूज करना है तो आफ्टर वॉश यूज करना है। आप अच्छा क्वालिटी का कंडीशनर यूज कर सकते हो। सीरम आफ्टर वॉश, बाल ड्राई होने के बाद आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपके बालों के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है अगर आपको जानना है तो ओपल क्लिनिक में ऑनलाइन कंसल्टिंग भी आप कर सकते हो। थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि जैसे टॉनिक है, अदरवाइज मिनोक्सिडिल है। अब काफी सारी कंपनी है 5%, 10%, 12% मिनोक्सिडिल लेके आती है। टॉनिक में काफी बार आयुर्वेदिक होम्योपैथिक टॉनिक रहता है। हफ्ते में कितनी बार लगाना है ये अकॉर्डिंगली आपके हेयर फॉल के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को लास्ट स्टेप में चाहिए अच्छा वाला कोम, जहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं उड़न कोम। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं इसके बारे में। सो उड़न कोम को आपको यूज करना है। वो नीम अदरवाइज सीसम से बना हुआ होना चाहिए, ब्रॉड टीथ वाला होना चाहिए। जब वॉश के बाद करते हैं तो स्मॉल टीथ वाला आप यूज कर सकते हो। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारा टॉवल, जो प्योर कॉटन का होना चाहिए, टर्किश का नहीं यूज करना है। प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, पूरे बाल उसमें बैठ सके ऐसा टॉवल होना चाहिए। ये सब चीजें फीमेल और मेल में कॉमन है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी शैम्पू कैसे यूज करना है, ऑयल कैसे यूज करना है, काफी सारे वीडियोज आने वाले हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए हेयर और स्किन के लिए कुछ नए टिप्स के साथ। I'm Dr. Munali Pandare, your medical cosmetologist and trichologist. Thank you. See you soon in next video.